Hello friends, welcome to Petrata's English Academy. My name is Kiran and today I'm going to discuss with you our second lesson of grammar, which is nouns. So let's start. What is a noun? Everything that we can see or touch or talk about is represented by a word that names it. A noun names a person, place or a thing. It includes people, animals, places, objects, substances, qualities, actions, measures, etc. अगर मैं इसे simple शब्दों में बोलूं, तो noun वो होता है जब भी हम कुछ देखते हैं या हम कुछ touch करते हैं, उसे हम किसी ना किसी word में express करते हैं, और जिस word में हम उसे express कर रहे हैं, उस word को हम एक noun कहते हैं। अब noun जो है, उसमें क्या-क्या चीजें include होती हैं? इसमें people, animals, places, जगहें, objects, substances हो गए, qualities हो गए, qualities like good, bad, kind, actions हो गए, measures, measurements जो होते हैं, meters, centimeters, etc. ये सारी चीजें जो हैं, इन सभी को हम describe करने के लिए जो भी words use कर रहे हैं, उसे हम noun कहते हैं. Now comes the type of nouns. Nouns कितने तरह के होते हैं? There are 8 type of nouns. Common nouns, proper nouns, abstract nouns, collective nouns, compound nouns, countable, non-countable and gender specific nouns. अब हम इन nouns को पूरी detail में आपके साथ आज मैं discuss करूंगी one by one. हम सबसे पहले करते हैं common nouns. A word used for a class of person, place or a thing. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम नहीं ले रहे, लेकिन हम कह रहे हैं ही इज अ बॉय. अब यहां पर बॉय जो है वो कॉमन नाउन है. रीजन इज क्योंकि यहां पे मैंने स्पेसिफिकली उस बॉय का नेम नहीं लिया है, ना ही उसकी कोई डेजिग्नेशन या वो क्या कर रहा है ये बताया है, ना ही उसकी कोई क्वालिटी लाइक ही इज हैंडसम और ही इज टॉल. अगर मैं सिंपल एक बॉय बोल रही हूं, दैट मींस वो एक कॉमन नाउन है. फाइन, इसी तरह से यहां पर मैंने और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं लाइक बॉय, सेलर, लॉयर, मदर इन लॉ, ब्रिज, टाउन, एटसेट्रा. अब देखिए, अगर तो मैं बोल रही हूं सिर्फ टाउन, तो ये एक कॉमन नाउन होगा. अगर मैं इसका नेम ले रही हूं, तो ये जो नाउन है इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी. फाइन, हमारी सेकेंड टाइप आती है प्रॉपर नाउन्स. अब ये वही है, जब हम नाम नहीं ले रहे थे, हम किसी चीज की क्लास बोल रहे थे लाइक एनिमल्स. अब एनिमल्स में बहुत तरह के एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर एंड सो मेनी. उसी तरह से ह्यूमंस या पीपल में बहुत सारे लोग आते हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहे. लेकिन अब प्रॉपर नाउन के केस में क्या होगा, जब हम किसी चीज को एक डेफिनेट नेम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आईफिल टॉवर एक टॉवर है, तो वो कॉमन नाउन है. लेकिन जब उसका एक स्पेसिफिक नेम है लाइक इट्स आईफिल टॉवर, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. उसी तरह से अगर मैंने किसी बॉय या किसी गर्ल को एक नेम के साथ डिनोट किया है या अपनी स्पीच में यूज किया है लाइक रोहन, मेघा, लाइक दिस, तो ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे. मैंने यहां पर कुछ और एग्जाम्पल्स लिखी हैं, मोहन, न्यूयॉर्क. अब यहां पर सिटी का नेम है. फाइन, Eiffel Tower, Canada, countries, Atlantic Ocean, etc. These all are proper nouns. Fine. One important thing to note here is they always start with a capital letter. जितने भी proper nouns होंगे, उन्हें हम capital letter से start करेंगे. हिंदी में हम proper noun को खास भी बोलते हैं, like important. Proper means खास. Fine. The third type of nouns are abstract nouns. Usually the name of a quality, action or state. किसी भी person की quality, उसके द्वारा किया जा रहा जो action है या फिर state है. State होता है, ये state यहां पर किसी country की state नहीं है, it's like a form. जब भी कोई चीज एक form से दूसरी form में change होती है, it's a term of a science. हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि वो चीजें जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स दे कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फाइन, मैंने यहां पर एग्जांपल्स लिखी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की. दिस आर गुडनेस,
kindness, bravery, joy, determination, beautiful, child, youth, death, poverty, etc. अब देखिए मैं एक दो examples आपको समझाती हूँ. जैसे goodness है, someone is good, वो एक अच्छा person है. हम उसकी अच्छाई को कैसे देखते हैं, उसके actions के through देखा जाता है. Fine, लेकिन जब तक हम उसके साथ डील नहीं करते या कुछ भी ऐसा नहीं करते, जब तक हमें ना पता लगे दैट वो पर्सन अच्छा है या नहीं, हम उसकी अच्छाई को, उसकी गुडनेस को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं. सो इस तरह की चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउंस के अंडर आएंगी. अब पॉवर्टी है, पॉवर्टी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, हम उसे लोगों के बिहेवियर से नहीं देख सकते. वी कैन नॉट जज द पॉवर्टी बाय द क्लोथ ऑफ अ पर्सन. फाइन, बस एक पॉवर्टी है, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट. तो ये पॉवर्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फाइन, डिफरेंस समझना है हमें. जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट जरूर करती हैं, ऐसी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. एक और चीज यहां पर जो हमें नोट करनी है वो ये है, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस. आर्ट्स एंड साइंसेज में क्या आता है, लाइक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है. वी कैन नॉट सी, नो डाउट वी कैन सी द एक्सपेरिमेंट्स विच आर बींग परफॉर्म्ड इन द केमिस्ट्री क्लास, बट वी कैन नॉट सी केमिस्ट्री. फाइन, उसी तरह से म्यूजिक है, हम उसे फील करते हैं, हम उसे सुनते हैं, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट. ग्रामर एक्सेट्रा, ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नेक्स्ट इज आर कलेक्टिव नाउन्स. The name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. जब भी हम किसी number of people को एक इकट्ठ में बोलते हैं, like there is a committee. अब committee में कितने people हैं, we don't know. We just used a word committee. Fine. तो ये जो है एक collective noun होगा. जब किसी चीज के झुंड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हिंदी में मैं आपको ये कह सकती हूँ, किसी चीज का झुंड या इकट्ठ जो होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं. यहां पर है टर्म्स ऑफ वेनरी. टर्म्स ऑफ वेनरी होते हैं जब भी हम अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ समथिंग, उसे हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं. जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. जब बर्ड्स एक साथ जाते हैं तो उन्हें फ्लॉक बोला जाता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. ये सारी जो चीजें होती हैं ये टर्म्स ऑफ वेनरी होते हैं. फाइन, अब जो टर्म्स ऑफ वेनरी हैं, जितनी भी टर्म्स ऑफ वेनरी होंगे, दे ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स. फाइन, और नेक्स्ट टाइप इज कंपाउंड नाउन्स. द नाउन्स दैट आर मेड विद टू और मोर वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स. दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. अब वो नाउन्स जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से बने होते हैं, ज्यादातर ये दो वर्ड्स से ही बने होते हैं, लेकिन इन केस देयर आर थ्री वर्ड्स, तो जितने भी ऐसे के वर्ड्स होंगे वो कंपाउंड नाउन्स होंगे. इसकी थ्री टाइप्स क्या हैं? ओपन और स्पेस्ड. ओपन और स्पेस्ड वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं जहां पर दो वर्ड्स को हम लिखते एक साथ हैं बट विद स्पेस. फाइन, लाइक वॉटर बॉटल. अब वॉटर इज अ डिफरेंट वर्ड एंड बॉटल इज अ डिफरेंट वर्ड, बट वी ऑलवेज यूज इट टूगेदर. देखिए, हम डेली लाइफ में नाउन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप ऑफ नाउन्स. तो आज इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है, येस आई नो वट आर नाउन्स, आप अपनी डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स. फाइन, चेंजिंग रूम. चेंजिंग रूम में भी दो वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हें लिखा हमेशा, बोला हमेशा इकट्ठा ही जाता है, तो ये ओपन और स्पेस्ड हैं. सेकेंड टाइप इज हाइफनेटेड. जब दो वर्ड्स के बीच में एक हाइफन लग जाएगा लेकिन उन्हें लिखा हमेशा इकट्ठा ही जाता है, दे आर कंपाउंड नाउन्स इन द हाइफनेटेड फॉर्म. इसके एग्जाम्पल्स हैं सिक्स पैक्स, वेल बींग, हाई रिस्क, मदर इन लॉ, एक्सेट्रा. थर्ड इज क्लोज्ड और सॉलिड नाउन्स. ऐसे नाउन्स जिसमें दो वर्ड्स को यूज करके एक नाउन बनाया जाता है, बट दे आर ऑलवेज रिटन टूगेदर विदाउट एनी स्पेस और हाइफन. एग्जाम्पल इज बेडरूम, फुटबॉल, ब्लैकबोर्ड, एक्सेट्रा. और नेक्स्ट टाइप इज काउंटेबल नाउन्स. द नेम ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ये काफी सिंपल जो है टाइप है नाउन्स की, वो चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं. सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सारी चीजें जो हैं काउंटेबल नाउन्स में आएंगी. लाइक एग्जांपल है इसके बुक्स, पेन्स, हॉर्स, बॉय, एटसेट्रा. एंड नेक्स्ट टाइप इज
नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो सारी आएंगी नॉन काउंटेबल नाउन्स में। काउंटेबल नाउन्स कैन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स बट नॉन काउंटेबल कैन नॉट। मतलब जो काउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें हम बुक्स से बुक्स बन जाता है, पेन का पेन्स बन जाता है जब उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, बट नॉन काउंटेबल नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। एग्जाम्पल इज मिल्क। अब आप कहेंगे कि हम मिल्क को तो मेजर कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन मेजर मिल्क, बट वी कैन नॉट राइट मिल्क इन प्लूरल फॉर्म। वी ऑलवेज से 2 liters ऑफ मिल्क, 1 liter ऑफ मिल्क। मिल्क जो है वर्ड वो वैसा ही रहता है, सो इट इज नॉन काउंटेबल। फाइन, शुगर है, बटर है, फर्नीचर। अब फर्नीचर हम कहेंगे कि येस डेफिनेटली वी कैन काउंट द फर्नीचर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट गाइज वी कैन नॉट काउंट फर्नीचर। वी कैन काउंट द डिफरेंट आइटम्स लाइक आई हैव वन बेड, I have 2 chairs, I have an almira, like this. But I will not say I have 2 furniture or I have 3 furniture. हमें जो है फर्क समझना है। हम chairs को count कर सकते हैं, tables को count कर सकते हैं, bed को count कर सकते हैं, wardrobes, almiras, इन सब चीजों को count कर सकते हैं, but we cannot count the furniture. Fine. कैश। अब कैश है जो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन काउंट द करेंसी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और एन एरिया। जैसे इंडिया में रुपीज यूज होते हैं, वी कैन से आई हैव 300 रुपीज, आई हैव 500 रुपीज, लाइक दिस। वी कैन नॉट से आई हैव 500 कैश। फाइन, कैश जो है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, उसको कैशेज में नहीं हम कन्वर्ट कर सकते। तो ये जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूज है, हम सारा दिन देखते हैं टेलीविजन पर या अपने मोबाइल फोन पर, हम कभी ये नहीं कहते आई हैव वॉच्ड 3 न्यूज़। हम यही कहेंगे लाइक यहां पर मैं लिखा है दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज चाहे 10 देखी है हमने, चाहे 1 देखी है, न्यूज के साथ हमेशा इज आएगा, ना कि आर। ओके, सेकेंड इज द लगेज लुक्स हैवी। लगेज में भी हम बैग्स को काउंट कर सकते हैं, बट लगेज के साथ हमेशा इज आएगा, ना कि आर। नेक्स्ट इज जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स। दीज आर दोज नाउन्स दैट डिनोट मेल और फीमेल, सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब जो मेन या बॉय से रिलेटेड है, लाइक बॉय, फादर, ब्रदर, बुल, एटसेट्रा। ऐसे के जितने भी वर्ड्स होंगे वो मैस्कुलिन जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स के अंडर आते हैं। सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन, अगर आपको इन दोनों को याद रखना है, कैन से एम फॉर मैन, एम फॉर मैस्कुलिन, एफ फॉर फीमेल एंड एफ फॉर फेमिनिन। फेमिनिन के अंडर सारे फीमेल के कैटेगरीज आ जाएंगे, लाइक गर्ल, मदर, सिस्टर, cow, etc. फाइन, अब ये तो थे हमारे नाउन के टाइप्स। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट केस हैं नाउन से रिलेटेड जो हम अभी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट केस इज देर आर सम नाउन्स विच सीम टू बी प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके पीछे एस समटाइम्स लगा होता है, जिसकी वजह से हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं देर सिंगुलर और प्लूरल, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। लिखे ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में जाते हैं, बट दे आर सिंगुलर। हमें इन्हें याद रखना होगा, लाइक फिजिक्स है, रोबोटिक्स है, इनिंग्स, सीरीज, न्यूज। मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया न्यूज जो है सिंगुलर है। एग्जाम्पल यहां पे लिखे हैं न्यूज इज कमिंग ऑन टेलीविजन। सेकेंड इज अ 5th मैच सीरीज इज बींग प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सीरीज जो है ये भी सिंगुलर है, इसके साथ इज लगाएंगे हम, आर नहीं। Physics is a tough subject. This was the case 1 of nouns. Now is the case 2. There are some nouns which appear to be singular but are actually plural. Example is children, police, gentry, people, cattle, infantry, etc. वो नाउन्स जो दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल हैं। पुलिस है, पुलिस में there are so many policemen. Fine, but we always say police. चाहे जितने भी पुलिसमैन खड़े हों, हम उसे एक ही वर्ड से डिनोट करते हैं, विच इज पुलिस। जेंट्री, जेंट्री क्या होता है? द पीपल विद द हाई सोशल क्लास। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है देयर वर नो जेंट्री इन द फंक्शन। मतलब फंक्शन में कोई भी जेंट्री नहीं थे। अब जेंट्री के अंडर जितने भी हाई क्लास पीपल होंगे वो सारे कंसिडर हुए हैं। फाइन,
So this was all about the case 1 and case 2 and the type of nouns. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक ऑफ इंग्लिश आल्सो, देन यू कैन आल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.